लो भाई देख लो ताजमहल, वो सब लिखा हुआ है उर्दू में। अबे उधर एक साहिल लिखा हुआ है बे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई ब्लॉग में। हम लोग फिर से अपने सेकंड ब्लॉग के साथ आ चुके हैं। तुम लोग का अनदर ब्लॉग में एंट्री हो चुका है एंड हम लोग का एंट्री हो चुका है ये ताजमहल जैसे दिखने वाले खूबसूरत से जगह पे। एंड वो पापा है, उसके आगे मम्मी है। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले तो ये एक जगह पे आए हैं, पता नहीं इसका नाम मैं भूल गया। यहाँ पे बिटकॉइन का पासवर्ड लिखे हुए हैं बहुत सारे। ओके अबे उधर एक साहिल लिखा हुआ है बे, फिर मेरे नाम के भी लोग आते हैं बे। और ये देखो ये जाली है, पहले के समय पे हम ऐसे ही दिखते थे। चलते हैं अंदर। ओके यहाँ पे ये पता नहीं बैठने वाला है शायद ये मे बी। और देखो भाई छू लेता हूँ यार एक बार, है क्या लिखा है ये। यहाँ पे एक और ये वही है, ठीक है। एंड एक और ये जाली, एंड अंदर से हम लोग इसको भी घूम लिए। अभी यहाँ पे एक और आ चुका है, सेम चीज भाई, बिल्कुल सेम। वो ये सेम चीज तो उधर भी था, मतलब बिल्कुल सेम ही है। एंड ये रहा बीचो बीच का सबसे मेन पार्ट। कैसे मुझे लग रहा है कि वो है, ये कबर लग रहा है मुझे, बट पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। बट ठीक है यार, ये कुछ तो है, टच कर लेता हूँ, थप मार लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पर भी वही है, पहले के समय पे इस तरीके से कुछ ना कुछ तो लिखा जाता था, क्या ये वही चीज़ है मेरे ख्याल से। और ये तो फूल पत्तियाँ बनाई गई है और ऊपर डिज़ाइन किया गया है, देखो इस तरीके से। ये आज भी वही है। अब सीधे चलते हैं कुछ खाने के लिए। अभी हम लोग आए हैं खाना खाने, एंड उसके बाद अभी मैंने ये लिया है एक सिंपल सा। और यहाँ पे प्लेट लगे हुए हैं, पापा वेट कर रहे हैं खाने का। सुबह से कुछ नहीं खाया ना हम लोग, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने हाँ खाना अभी आ रहा है। लेकिन आज हम लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे, वेज खाएंगे, वेज। 1 minute later अभी आ चुका है अपना ये एंड ये और पनीर टिक्का मसाला, फटाफट खाते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। तो लजीज लग रहा है, बट खा के देखते हैं कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दाल मखनी ट्राई करते हैं। यहाँ पे ये देखो भाई, ये भी सुंदर है काफ़ी, वाइट वाइट, ये भी मार्बल है। ये देखो पूरा इधर से व्यू मिलेगा मस्त, लेकिन ठीक है अभी। यहाँ पे उसके आगे और भी है, रुको उधर चलते हैं। यहाँ पे आप इसके अंदर जाते देखते कैसा है। ये देखो भाई अभी तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है आँखों से, अब जा कर के देखेगा कि ये कैसा है, देखते। आदमियों से ज़्यादा औरतों की जनसंख्या है, लेकिन फिर भी औरतों की लाइन में देखो कोई नहीं है, बहुत। मेरी मम्मी पहले चल गई, और इधर लड़कों की लाइन देखो ना, बेकार क्यों होती है ज़िंदगी लड़कों की। यहाँ ये देख सकते हो, यहाँ पर कुछ ऊँची ऊँची इमारतें हैं और इसको बनाया जा रहा है। कुछ काम भी चल रहा है, कुछ नहीं भी चल रहा है, कुछ यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसमें कितनी सारी ईंटें होंगी भाई, पूरा एक घर तैयार हो जाएगा इतने में। तो मैनी फॉरेनर्स आर हियर एंड बस इतना ही इंग्लिश आती है। चलते हैं, बहुत चलना है। नाउ वी आर गोइंग टू ताजमहल, अभी देखते हैं वहाँ पे। ये अपना लास्ट प्लेस रहेगा घूमने के लिए, एंड अभी हम लोग सीधे उसके बाद जाएंगे कहीं कुछ खाने पीने, एंड उसके बाद फिर घर पे सोने। एंड उसके कल सुबह मैं बताता हूँ आगे क्या होने वाला है। बंदर देखो भाई ऐसे ही चल रहे जैसे इंसान। ए रुक जा यार। लेकिन ये भाई बहुत खूबसूरत लग रहा है, बंदर रुकता ही नहीं है, उड़ता ही नहीं है बल्कि। ये रहा ताजमहल, तुम सबका देख लो। मेरे से ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं है, क्या बोला तूने? नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है।
और हम लोग ऊपर जाने ही वाले नहीं है। हाँ, भेज दिया जाएगा। ए पापा छी, फोटो निकालना सर, फोटो। अरे नहीं, आईफोन 1.5 लाख का लिया था यार। ये मेरे मम्मी पापा खो जाएंगे यार, मतलब मैं खो जाऊंगा। कुछ तो छोड़ा होगा शाहजहां ने मेरे लिए ताजमहल में, घमंड तो इसी बात का हो रहा है मुझे अभी। चश्मा थोड़ा महंगा नहीं लग रहा तुम लोग को? घर जाके इसका रेंट देना है मुझे, दोस्त का है ना। शाहजहां को एक बात तो पता होनी चाहिए यार, मैं आने वाला हूँ इधर, कुछ तो छोड़ के गया होगा मेरे लिए इसमें। हाँ यार, कुछ तो छोड़ा होगा मेरा ताजमहल के अंदर, कीमती चीजों के लिए कीमती चीज तो कुछ तो छोड़ के गया होगा भाई। ओ भाई साहब, ये इतना बड़ा ताजमहल है यार, कुछ तो मेरे लिए होगा इसके अंदर, कुछ तो छोड़ के गया होगा यार, उसको पता था मैं एक दिन इधर आऊंगा। एंड ये हम लोग बहुत क्लोज है अभी, मतलब बगल में ही ताजमहल के। वाओ, रशियन रशियन फाइनल।